हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज मैं आपके लिए डेमोस्ट्रेशन लेके आया हूं सैमसंग के 256 लीटर के कन्वर्टेबल 3-in-1 सैमसंग के रेफ्रिजरेटर की, जो कि आता है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। तो सैमसंग ने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 2023 में क्या क्या नया दिया है, एक एक करके हम हर एक चीज की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और जो इसका परचेज लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी चलते हैं इसकी फर्स्ट लुक की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने की तरफ से, आपने इसकी जो भी लुक देखी सामने की तरफ से पूरा स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग के साथ आता है। छोटे छोटे इसके अंदर आपको रेशे भी देखने को मिल जाएंगे जिससे और भी ज्यादा ये देखने में प्रीमियम लगता है। सामने की तरफ इसका यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा जिसके अंदर आप फ्रीजर का और फ्रिज का टेम्परेचर अलग अलग से कंट्रोल कर सकते हो, बार बार आपको फ्रिज खोलने की नीड नहीं पड़ेगी। और रिसेस हैंडल के साथ आता है ये, नॉर्मली आपने हैंडल यहाँ पे बार हैंडल लगे हुए देखे होंगे, यहाँ पे आपको रिसेस हैंडल मिलते हैं जिनकी लाइफ ज्यादा है, जो जल्दी खराब नहीं होते। और साइड से अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, साइड से ये पूरा लेदर कोटिंग के साथ आने वाला है, जहाँ पे देखिए फिनिशिंग काफी अच्छी है। और बैक साइड से अगर आप देखें तो ये देखिए बैक साइड से ये पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन फिनिश के साथ आने वाला है। अंदर की तरफ अगर हम थोड़ा इसकी डिटेल की बात करें तो स्पेस काफ़ी अच्छा आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ फ्रिज वाले पोर्शन के अंदर भी आपको 1, 2, 3, 4 शेल्फ मिलने वाली हैं। वेजिटेबल बॉक्स काफ़ी बड़ा मिलने वाला है, यहाँ पे ये वेजिटेबल बॉक्स है इसका, जिसके अंदर आइस क्यूब बॉक्स भी आपको यहीं पर पड़ा हुआ मिलेगा। बॉटल गार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम बॉटल गार्ड की क्वालिटी है। फ्रीजर बॉक्स में भी आपको यहाँ पे कूल वेव भी साथ में मिल रहा है, ये कूल पैक। इसका बेनिफिट ये है कि बाय चांस लाइट नहीं है तो 12 घंटे का इसका बैकअप मिल जाता है कोई भी चीज़ आपको ठंडी रखने के लिए। फ्रीजर जो है इसका कन्वर्टेबल होने वाला है और यहाँ पे भी आपको 2 बॉटल गार्ड मिल जाते हैं। और इसका जो गैस कट है वो भी रिमूवेबल है, आप उसको निकाल के साफ करके ऐसे ही वापस डाल सकते हो। मॉडल नंबर की बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, RT30C3732S8NL, जो कि 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। लेबल पीरियड जो इसका स्टार्टिंग का है वो है 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। एनर्जी कंजप्शन जो आपको इसके अंदर मिलने वाली है वो है 266 यूनिट पर ईयर, पूरे साल के अंदर 266 यूनिट ये कंज्यूम करने वाला है। तो ये थी कंप्लीट इसकी फिजिकल ओवरव्यू की जानकारी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके सारे मिलने वाले इसके अंदर फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेन हाइलाइटेड फीचर की, कन्वर्टेबल 3-in-1। कन्वर्टेबल 3-in-1 का मतलब ये है कि आप इस रेफ्रिजरेटर को 3 तरीके से यूज कर सकते हो। एक जो इसके अंदर मोड मिलने वाला है वो है आपका नॉर्मल मोड, जिसके अंदर आपका जो फ्रीजर वाला पोर्शन है वो फ्रीजर की तरह काम करता है, नीचे वाला पोर्शन आपका एक फ्रिज की तरह काम करता है। सेकंड मोड है इसके अंदर कन्वर्टेबल मोड, एक्स्ट्रा फ्रिज मोड जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आप फ्रीजर को कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रिज को एक नॉर्मली फ्रिज की तरह ही यूज करते हो, कहने का मतलब दोनों ही आपका पूरा का पूरा फ्रिज बन जाता है। तीसरा है इसके अंदर आपको पावर फ्रीज या पावर कूल मोड, अगर आपको एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए तो आपको 31% एक्स्ट्रा कूलिंग इसी रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाएगी। इन तीनों मोड को यूज कैसे करना है उसकी हम आप बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इन तीनों मोड को कंट्रोल कर सकते हो और इस पैनल की तरह इनको यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला मोड है इसका, जिसके अंदर आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक फ्रीजर की तरह काम करेगा और जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक फ्रिज की तरह काम करेगा। इसके लिए आपको इसके जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर आपको जो ये लाइट ब्लिंक होती हुई दिख रही होगी, ये आपके दोनों तरफ होनी चाहिए, यानी कि फ्रीजर के टेम्परेचर के अंदर भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए और फ्रिज वाले टेम्परेचर के अंदर भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए।
अगर आप इसके टेम्परेचर को अप या डाउन करना चाहते हो तो वो आप बड़ी आसानी से ये बटन को प्रेस करके कर सकते हो। इस तरफ से आप फ्रीज़र का टेम्परेचर सेट कर सकते हो और राइट वाली तरफ से आप नीचे वाले पोर्शन यानी कि फ्रिज का टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो ये था इसका फर्स्ट मोड। सेकेंड मोड के अंदर मान लो आप फ्रीज़र वाला जो पोर्शन है वो उसको आप एज ए फ्रिज यूज़ करना चाहते हो, और फ्रिज तो है ही फ्रिज, तो आप उसके लिए आपने करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए फ्रीज़र से फ्रिज कन्वर्ट करने वाला ये बटन है, आपने इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो लाइट है यहाँ पे ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी और फ्रीज़र वाली लाइट से साइड से लाइट हट जाएगी। इसका मतलब जो आपका फ्रीज़र है वो आपका कन्वर्ट होके एक फ्रिज बन चुका है नीचे वाले की तरह। तो इस तरह से आप इसका दूसरा मोड यूज़ कर सकते हो। तीसरा मोड है इसके अंदर पावर फ्रीज या पावर कूल मोड वाला, उसके अंदर आपने करना क्या है दिखा देता हूँ मैं। उसके अंदर आपने दोबारा से इसको नॉर्मल मोड पे लेके आना है और उसके बाद पावर फ्रीज जो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करना है अगर आपको जल्दी से आइस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आइकन ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि फ्रीज़र वाले पार्ट में 31% एक्स्ट्रा चिलिंग एक्स्ट्रा कूलिंग हो चुकी है, आपको जल्दी से जल्दी आइस क्यूब्स मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि नीचे वाले फ्रिज वाले पार्ट में भी ऐसा ही 31% एक्स्ट्रा कूलिंग हो जाए तो उसके लिए आपने जो राइट वाला ये पावर कूल वाला बटन है 3 सेकंड के लिए दोबारा से प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली लाइट जो है ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्रीज नीचे वाला पोर्शन है फ्रीज वाला पोर्शन है उसके अंदर भी 31% एक्स्ट्रा कूलिंग हो गई है। साथ ही यहाँ पे देखिए इसकी जो कैपेसिटी है 256 लीटर की है, 20 एयर की इसके अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर वारंटी मिलने वाली है, कनेक्ट इन्वर्टर के साथ आता है, आप इसको घर के सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे भी बड़े आराम से चला सकते हो क्योंकि ये 2 CFL से भी कम लाइट के ऊपर रन हो जाता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, आपको कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। 100 वॉट से 300 वॉट ये अपने आप ही कंट्रोल करेगा, आपको कोई अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। 21 ईयर की VDE की सर्टिफिकेशन मिल जाती है आपको, कहने का मतलब इसकी जो कंप्रेशर की लाइफ है वो 21 ईयर की आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब चलते हैं फ्रिज के अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इसके स्पेस की और फीचर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे कन्वर्टेबल फ्रीजर मिलने वाला है ऊपर की तरफ, इसके अंदर आइस क्यूब बॉक्स रखा हुआ नहीं मिलता क्योंकि आप इसके अंदर रिमूवेबल आइस बॉक्स जो है यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे रखा हुआ आपको मिलेगा नए फ्रिज के अंदर वेजिटेबल बॉक्स के अंदर, आप इसको निकाल के यहाँ पे रख सकते हो और उसको जब चाहो यूज कर सकते हो, नहीं तो निकाल के आप अपने दूसरे बर्तन रख सकते हो। और ये जो है पूरा फ्रॉस्ट फ्री के साथ आता है, कहने का मतलब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमेगी, आपने बर्तन रखा है उसके अंदर जो पानी है वही जमेगा, कोई एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमेगी क्योंकि ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे शेल्फें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं और उसी के साथ आपको यहाँ पे देखिए ड्यूड्राइजिंग फिल्टर भी मिल जाए। ड्यूड्राइजिंग फिल्टर का फैनिविटी है कि आप 2-3 दिन जैसे फ्रिज नहीं खोलते तो आप किसी तरह कोई स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे एक शेल्फ आपको इजी स्लाइड वाली मिलने वाली है, मान लो कोई हैवी बर्तन है भारी बर्तन है तो आप यहाँ पे रख के इसको इजीली स्लाइड भी कर सकते हो। राइट की तरफ देखिए यहाँ पे जो इसका डोर है उसके अंदर आप 2 लीटर की बोतलें यहाँ पे बड़े आराम से रख सकते हो, नीचे की तरफ भी आप 1 लीटर की बोतलें रख सकते हो और ये सारा स्पेस आपको अंदर मिल जाता है। ये भी एडजस्टेबल है, अगर आप इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये सारे फीचर्स आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर और ये वाला स्पेस जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का 2023 का RT30C3732S8 रेफ्रिजरेटर, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ वीडियो को मैं क्लोज करना चाहूंगा। क्लोज करने से पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय बाय।